हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का हिंदी व्याकरण का कार्य पत्र करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बातचीत या संवाद आज हम जानेंगे। तो बातचीत या संवाद से ही हम अपनी जरूरतों को अच्छी तरह से जान पाते हैं। जब हम किसी से संवाद करते हैं तो उससे हमारे ज्ञान, विचार, परिवार के संस्कार और परिवेश का भी पता सामने वाले को ही चलता है। तो ये होता है संवाद। इसीलिए हमें संवाद शिष्टता, मधुरता, सम्मान पूर्वक, विषय के अनुसार, शरीर के भाव भंगिमा का पालन करते हुए सावधानी से लिखना चाहिए। तो एक बात भी कहा गई है, तीर कमान से और बात जुबान से एक बार निकली तो दोबारा वापस नहीं आती। तो रामलीला, फिल्म, टीवी सीरियल, कहानी, नाटक आदि के संवाद बहुत लंबे समय तक याद किए जाते हैं और फिर लंबे होते हैं बहुत। आपने कई नायक, नायिका, खलनायक के संवादों के बारे में पढ़ा होगा। अब 10 मिनट आंख बंद करके किसी फिल्म के दो लोगों के बीच के संवाद करें। तो समाज में कुशल वक्ता अर्थात संवाद जो है करने वाला ऊंचे पद और सम्मान को मिलता है। हम लिखने बोलने का अभ्यास द्वारा अच्छा संवाद लेखन सीख सकते हैं। संवाद लेखन में पत्र अर्थात बोलने वालों की स्थिति और परावेश के अनुसार ही भाषा का प्रयोग होता है। लिखते समय जो विषय, सहायक शब्द, कोई संकेत या चित्र दिया जाता है उसका प्रयोग करें। संवाद के आरंभ और अंत में औपचारिकता अर्थात नमस्कार, हेलो, कृपया, धन्यवाद आदि शब्दों को समझें और करें। तो अब राजेश और गरिमा दो भाई बहन हैं और ये पार्क में कचरे फैलाए हैं, लोगों ने उसके बारे में बात कर रहे हैं एक संवाद। तो ये लड़का गरिमा का भाई राजेश है और ये गरिमा है। अब राजेश कहता है, बहन ये क्या है? बहन कहती है, ये तो कचरा है आगे, ये क्यों फेंका गया है? वो कहता है, पता नहीं, चलो सफाई करते हैं। फिर हाँ चलो, भाई कहता है, गरिमा देखो अब पार्क साफ लग रहा है। गरिमा कहती है, हाँ भाई। फिर अब सब स्वच्छ है, ऐसा कहती है वो। और अब उसका भाई कहता है, चलो अब चलते हैं, फिर हमें सफाई करनी चाहिए, उसका भाई कहता है। और वो लड़की कहती है, सही बात। तो आप इस तरह से संवाद करेंगे। यहाँ पे आपकी वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।